हैं पहचाने पाकिस्तान न्यूज़। देखते हैं जाफर आबाद से अता मोहम्मद मूसा की रिपोर्ट। साबिक सूबाई वजीर जामूर मूवमेंट के सरबरा मीर माजिद आबरू की मीडिया से गुफ्तगु। बल्दियाती इलेक्शन अदालती फैसलों का खैर मुकदम करते हैं मगर हल्का बंदियों के साथ जुल्म व ज्यादती की गई। अफसोसकुन है इन हल्का बंदियों में रद्दो बदल करके अवाम को दोहरे अजाब में डाल दिया है। इलेक्शन कमीशन की इस फैसले पर हमें शदीद तहफ्फुज़ात हैं। मीर माजिद आबरू ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, काम नहीं हो रहा था। मैं समझता हूँ कि अब जो ड्रामा जो रचाया जा रहा है जिस तरह से सफाई के नाम पे करोड़ों रुपये जो है वो ज़ाय किए जा रहे हैं, इससे हमारे ना किसानों को कोई फायदा होगा, ना ही कोई जमींदारों को, ना ही इस हमारे ग्रीन बेल्ट में कोई फायदा होगा। क्योंकि ये सिर्फ दिखावे के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए ऐसे काम हो रहे हैं और जो कि देखा नहीं है। इसको जिस तरह जो है आवाम तक पहुँच सके और किसानों और जमींदारों को पानी जो है वो मुश्किल हो सके, लेकिन इस तरह से अगर काम होते रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि हमारे इस इलाके में कोई तरक्की होगी और हमारे किसान जो है वो खुशहाल हो सकते हैं। कहीं के कहीं कहीं गए तो उनको खुद को ही पता नहीं है कि हमारा वोट कहाँ पर। ओवरऑल सारी लिस्टें चेंज हो रही हैं, जो हल्का बंदियाँ बनी हैं उनमें भी बड़ी बदोबदल की गई है और मैं समझता हूँ कि इस तरीके के इंतखाबात हमारे इलेक्शन कमीशन पर एक दबा साबित होते हैं। तो इससे मेरा तो ये मशवरा है कि कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन संजीदा होकर इन मामला को देखे और आने वाले दिनों में या फ्यूचर में उसकी प्लानिंग की जाए, ताकि हमेशा जो हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में शफाफ इंतखाबात नहीं होते रहते हैं, उसको तकमील हो सके और आवाम और इलाके को इसका फ़ायदा और उसके तसरात जो हैं असरात जो हैं वो इलाके में आएँगे। और मैं समझता हूँ कि कच्चे के नाम से यहाँ पे लाखों एकड़ हमारे सरियाम होंगे और यहाँ के लोग खुशहाल होंगे, तो इस मनसूबे को जितना जल्द हो सके तो दूसरे फेज को स्टार्ट करना चाहिए। उन्होंने जो वज़ी अजम के मनसा में बैठ के जिस तरह के फैसले किए या जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की या जिस तरह का उनका एटीट्यूड था, मैं समझता हूँ कि वजी हमारे मुल्क के वज़ी अजम के पास जिस तरह का बिहेव नहीं होना चाहिए उनको एक, और इससे हमारे मुल्क की सफाती तालुका दूसरे मुल्क के साथ की नहीं होगी। तो ज़ाहिर है हम एक डिपेंडेंट कंट्री हैं और इस पर अगर दूसरे ममालिक के साथ भी हालात खराब करेंगे तो फिर हमारे लिए आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इमरान खान को सोचना चाहिए, अभी वो इतने साल गवर्नमेंट में रहे हैं तभी अंदाज़ा होगा उनको, लेकिन आगे जो कदम उठाएँ वो सोच सकते हैं। क्योंकि आवाम अभी चाह रही है कि हमें रिलीफ मिले, कहीं ऐसा नहीं हो महंगाई एक बहुत बड़ा जिन है जो हमारे आवाम को जो तंग कर रहा है, इसकी रिलीफ के लिए जो इस उम्मीद के साथ इस गवर्नमेंट के साथ नहीं है इन शुसमें आएगी, लेकिन डिपेंड करता है हमारे सियासी अकाबरीन के लिए जो वज़ीर आज़म हैं और दूसरे उसके जो उजरा हैं, तो उसके साथ तक हमें आवाम को रिलीफ मिल सकता है।